हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्यूरो के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो को लास्ट तक जो बना रहे। तो बात करते हैं, यहाँ पे 10 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है साउथ अफ्रीका का प्रीमियर लीग एससी टी20, जो कि पिछले साल शुरू हुआ था। यह टूर्नामेंट इस बार सेशन 2 खेला जा रहा है। तो बात करते हैं टूर्नामेंट के 8वें मैच की, जहाँ पे एक तरफ एडम अक्राम के ईस्टर्न कैप है तो वहीं दूसरी तरफ पराटी एमआई कैप्टन है। यह मैच 16 जनवरी को न्यूलैंड्स के कैप्टन में खेला जाएगा। वहीं अगर वेदर रिपोर्ट की बात करें तो मैच के दिन मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 84% रहेगा और टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब इनके विनिंग परसेंटेज की बात की जाए, जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट का 40% जीतने का चांस है तो वहीं बॉलिंग फर्स्ट का यहाँ पे 60% जीतने का चांस है। अब बात करते हैं इनके पिच रिपोर्ट देखते हैं, जहाँ पे फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 150 है तो वहीं सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर 141 है। अब बात करते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करते हैं, जहाँ पे सनराइजर्स ईस्टर्न कैप 2 मैच जीत के आ रही है तो वहीं दूसरी टीम एमआई कैप्टन 0 मैच जीत के आ रही है। तो दोस्तों आगे पढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सेशन की जानकारी चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। करते हैं पहली टीम सनराइजर्स ईस्टर्न कैप का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे टीम का पहला मैच हुआ था जो कि बारिश के चलते कैंसिल हो गया था और दूसरा मैच में टीम को दरवन से हार मिली थी। टीम लास्ट ईयर अपने पहले स्टेशन के चैंपियन बनी थी। टीम के कैप्टन जहाँ पे एडम अक्राम जो कि अभी फॉर्म में चल रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका के कप्तान जहाँ पे टेम्बा बमुआ जो फिट होने की उम्मीद नहीं है क्योंकि वो हैमेस टीम के चलते बाहर हो चुके हैं। वही ओपनिंग में बात करें जहाँ पे रॉसिंगटन है, जॉर्डन हार्मन है, फिनिशिंग में टीम का स्टार है क्रिश्चियन और स्टब्स है। नंबर 3 पर एवेल ने जो लास्ट मैच में 65 रन बनाए थे। बॉल के साथ मार्को जेंसन सनराइजर के ट्रम्प कार्ड है, वो सभी टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकते हैं। डेनियल वॉल जो सबसे ज़्यादा 2 विकेट निकाले थे, साइमन हार्मन अपनी ऑफ स्पिन से अटैक करेंगे, लाइम डॉनसन यहाँ पे इफेक्टिव हो सकते हैं। अब बात करते हैं इनके प्लेइंग 11 देखते हैं, जहाँ पे एडम अक्राम है, जॉर्डन हार्मन है, एडम रॉसिंगटन है, क्रिश्चियन स्टब्स है, टॉम एबेल है, बियर्ड स्वर्मनियल है, लाइम गिब्सन है, मार्को जॉनसन है, सिमोन हार्मर है, ओथेनियल बार्मन है और डैनियल वॉरल है। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं दूसरी टीम एमआई कैप्टन का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं। टीम अब तक 2 मैच खेले जिसमें से 1 मैच जीत पाई। टियन पोलार्ड इस सीजन में एमआई के कैप्टन को लीड कर रहे हैं। टीम की बैटिंग बहुत स्ट्रांग है, हर मैच में टीम 200+ रन बना रही है। टीम को जहाँ पर राशिफ एंडरसन और रिकेल्टन से ओपनिंग में अच्छी स्टार्ट की उम्मीद होगी क्योंकि लास्ट गेम में दोनों ने 200 की पार्टनरशिप की थी, जहाँ पे वांडर जो 104 रन बनाए थे, रिकेल्टन भी 2 मैच में 87 रन 98 की इनिंग खेली थी। डेवाल ब्रेविसन, लियाम लिविंगस्टोन जो कि मिडिल ऑर्डर को मजबूत करते हैं। टीम की बैटिंग में डेप्थ है, जहाँ पे लोअर ऑर्डर में सैम करन है, पोलार्ड से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी, तेजी से रन बना सकते हैं। टीम की बॉलिंग भी ठीक है, पास जहाँ पे एक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक है, टीम को कैसिगो रवारा और विवरन हैंसिक जो न्यू बॉल के साथ अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद होगी, जॉर्ज लिंड जो लगातार विकेट निकाल रहे हैं, सैम करन अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके 20 ओवरों में ओली स्टोन के साथ अच्छी बॉलिंग करना चाहेंगे, लियाम लिविंगस्टोन जो कि टीम के वेरिएशन लाते हैं। अब इनके प्लेइंग 11 की बात की जाए, जहाँ पे किरण पोलार्ड है, राशिवन दर है, दुशन है, रियान रिकेल्टन है, कॉनर एथर जूलियन है, डिवाल ब्रेविस है, कशिगो रवास, सैम करम, लाइम लिविंगस्टोन, जॉर्ज लिंडे, ओली स्टोन और ब्यूर हैंडिक्स है। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज़ पे डिस्कशन कर लिया, अब अगर चलते हैं विनर के अकॉर्डिंग, तो हमारे अकॉर्डिंग आज का मैच बने एमआई कैप्टन होगा, यहाँ पे सनराइजर ईस्टर्न कैप को हार मिल सकती है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।